Good morning, students of class 4th. Welcome back to online class, students. This is your maths class. I'm your maths teacher. So, students, आज आपकी maths exercise है 3.3. इससे पहले हमने आपको 3.2 एक्सरसाइज कराई थी, जिसको आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा, आपको समझ आया होगा. स्टूडेंट्स, आज उसमें आपको सम बताए थे कि अलग अलग नंबर्स को अगर हम सम करते हैं तो जो आपके नंबर्स दिए थे, सिर्फ फर्स्ट में एक क्वेश्चन के दो पार्ट दिए थे, लेकिन नंबर सेम थे, लेकिन आगे पीछे थे. बट जब हम उनको ऐड कर रहे थे तो हमारे सम इक्वल आ रहा था, है ना. तो वो आपको बताया था, प्लस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताया था उसमें कि कौन सा नंबर मिस है. जो नंबर मिस है वही आपको उस फिलअप्स में रखना है ना. आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, आपको समझ आया होगा. आज आपको एक मैथ्स में एक्सरसाइज कराई जाएगी आपकी 3.3. ओके स्टूडेंट्स, 3.3 आपकी एक्सरसाइज है, जिसमें है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स. आज आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे सॉल्व करनी है वर्ड प्रॉब्लम्स, उसको बताया जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल हैं आपकी बुक में, जो आपसे आपकी एक्सरसाइज है 31 पेज पे, लेकिन 30 पेज पे दो एग्जांपल दिए हुए हैं, जिसको मैं पहले आपको उनको समझाती हूँ, उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलिए एग्जांपल वन देखिए. क्या है एग्जांपल वन? ये कह रहा है अ फ्लैट स्क्रीन टीवी कॉस्ट 49,981. एक फ्लैट स्क्रीन है जिसकी टीवी की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 49,981. एंड अ मोबाइल फ़ोन कॉस्ट, और जो मोबाइल फ़ोन की जो कॉस्ट है वो है 28,961. ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट टू बी पेड इफ़ आई बाय द टीवी एंड द मोबाइल फ़ोन? उसने बोला कि अगर मैं मोबाइल और टीवी दोनों चीज़ें खरीद रहा हूँ तो मुझे उन दोनों के कितने पैसे पे करने होंगे, कितने पैसे पेड करने होंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट सपोज दैट आप मार्केट में लेने जा रहे हो, आपने एक पेन खरीदा, ठीक है, जिसकी कॉस्ट थी पेन की 5 रुपीज़, और आपने साथ में एक नोटबुक भी खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 10 रुपीज़. ठीक है, आपने दोनों चीज़ें परचेज कर ली. ओके, अब आप शॉपकीपर को कितने रुपए पेड करेंगे? आपने एक 5 रुपीज़ का पेन लिया और एक 10 रुपीज़ की नोटबुक ले ली, तो आप कितने रुपए पेड करेंगे उसको? तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि हमें कितना पेड करना है, है ना. तो क्या करते हैं, आपने कितने का पेन लिया? 5 का, और नोटबुक कितने की ली? 10 की. तो हम 5 और 10 को प्लस कर लेंगे, तो 5 और 10 को जब प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आया? सम आया 15. तो आप इट मीन्स हमें 15 रुपीज़ उसको पे करना है ना. कितना पे करना है? 15 रुपीज़. तो सेम ऐसे ही है, ये मैंने आपको छोटा एग्जांपल समझाया था पेन और नोटबुक का, है ना. ये थोड़ी सी चीज़ें क्या है, बड़ी चीज़ है, तो इसका जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा है. वो छोटी चीज़ थी तो उसकी कॉस्ट कम थी, ये बड़ी चीज़ें हैं मोबाइल फ़ोन और टीवी, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है. बट हमें करना वही प्रोसेस है, सम करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. कैसे करते हैं? अब आपको जो वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, हमें प्रॉब्लम्स को लिखना होता है, उसको बताना होता है, फिर हमें सॉल्व करना होता है. ठीक है, तो चलिए, इसने बोला अ फ्लैट स्क्रीन टीवी कॉस्ट 49,981. तो हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ अ फ्लैट स्क्रीन टीवी. ठीक है, यानी कि कॉस्ट माने होता है उसकी कीमत, ऑफ फ्लैट स्क्रीन टीवी, क्योंकि टीवी की बोला था, तो टीवी की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 49,981, ये हमने लिख दिया. अब दूसरी चीज़ किसकी कॉस्ट दी है उसने? दी है दूसरी कॉस्ट दी है मोबाइल की, तो हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन कितना है? इतना, 28,961. ठीक है, आप क्या करेंगे? नेक्स्ट डालेंगे टोटल, क्योंकि हमें इसका टोटल करना है, सम करना है. हम दोनों को हमने कॉलम वाइज लिख लिया, वंस का कॉलम, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, सबको कॉलम वाइज हमने लिख दिया. अब हम उसको इसका सम निकाल ऐड करेंगे. ठीक है, दोनों आइडेंट्स को, तो वन में वन प्लस किया तो क्या आ गया हमारा? टू. ठीक है, एट में सिक्स प्लस किया, एट और सिक्स हमारा कितना हो गया? 14. 14 का 1 यहाँ आ गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया 1. देखिए ये कैरी है ना, आपको क्लियर दिखाई देगा. देखिए ये कैरी है, कैरी ही आगे फॉरवर्ड हो गया. उसके बाद देखिए ये है 9. ठीक है, 9 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18. ठीक है, और 18 में 1 कैरी का ऐड किया तो क्या हो गया? 19. 19 का अगेन 1 यहाँ लिखेंगे और कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे 1. ठीक है, अब क्या होगा? 9 में 1 प्लस किया 10 हो गया, 10 में 8 प्लस किया क्या हो गया? 18. 18 का 8 यहाँ आ गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया आगे 1. उसके बाद में 4 और 2 कितना हो गया? 6. और 1 कैरी का क्या हो गया? 7.
आ गया ना स्टूडेंट समझ में, आपको मैंने ऐड करना सिखाया था सम करना। अगर सपोज दैट यहाँ पे हमारे डिजिट बड़े होते, नंबर्स बड़े होते और हमारा टू डिजिट में आता, तो लास्ट में अगर हमारे टू डिजिट आते हैं, सपोज दैट यहाँ पे 12 आता, तो हम पूरा 12 लिख देंगे, है ना। फिर क्योंकि आगे कोई डिजिट है ही नहीं, इसलिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जब आगे कोई डिजिट होता है तब तक ही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं और लास्ट में पूरा डिजिट लिख देते हैं, चाहे वो आपका नंबर वंस में हो या टेंस में हो, ठीक है, वो पूरा लिख देते हैं। चलिए, तो क्या हुआ हमारा, द कॉस्ट ऑफ द अबव आइटम्स, जो आइटम्स की जो कॉस्ट निकली वो निकली 78,942। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ। अ लाइब्रेरी है 38,717 बुक्स ऑन मैथ्स। एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी आप जानते होंगे लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी जहाँ बुक्स का कलेक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको, पुस्तकालय है, ठीक है, पुस्तक का आलय जहाँ पुस्तक रखी जाती है, बुक्स रखी जाती है, बुक्स का कलेक्शन होता है वो, ठीक है। तो उसमें 38,717 बुक्स क्या है, मैथ्स की हैं, ठीक है। 23,870 बुक्स किसकी है, इंग्लिश की, एंड 300 ये आपका जो डिजिट है वो कट गया है, लेकिन इसमें पूरा दिया है, कितना है 3,417 बुक्स जो है 7 रह गया है, जिसको मैं अब लिख देती हूँ, ठीक है, ये नंबर पूरा है, समझ में आ गया। 3,417 बुक्स किसकी हैं, हिंदी की, किसकी है, हिंदी की, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑन दीज थ्री सब्जेक्ट्स। आपको क्या करना है, इन थ्री सब्जेक्ट्स का, जो थ्री सब्जेक्ट्स की ये बुक है, इनका टोटल नंबर निकालना है लाइब्रेरी में कि टोटल बुक्स कितनी है, यानी कि मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की, तीनों बुक्स को ऐड करके बताना है कि टोटल बुक्स कितनी है। तो हम लिख लेंगे इसमें नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथ्स लिख दिया यहाँ पे 38,717। नेक्स्ट नंबर ऑफ बुक्स ऑफ किसकी, इंग्लिश की, तो इंग्लिश की लिख दी यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर ऑफ बुक्स ऑन किसकी है, पूछा है, हिंदी की दिया है, तो हमने यह हिंदी की लिख दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि सारी बुक्स का क्या करेंगे, टोटल करेंगे, है ना, सबको, सबका ऐड कर देंगे सबको। तो हमने टोटल नंबर ऑफ बुक्स ले लिया, टोटल नंबर ऑफ बुक्स ये, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स अब हम सबका टोटल कर देंगे, ठीक है। सेवन में सेवन प्लस वन प्लस सेवन किया तो क्या गया, 15 का 5 कैरी हो गया 1, ठीक है, 1 और 1 और 1 ये 2 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया, 10 का 0, फिर कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1, 7 और 1 हो गया 8, 8 और 8 हमारा कितना हो गया 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 का अगेन 0, ठीक है, अब कैरी ला दिया इधर 2, ठीक है, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16 का 6, फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया 1, ठीक है, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 और 2 कितना हो गया 6, क्या आ गया हमारा ये टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई, 66,005, है ना, कितनी होगी 66,005, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको समझा दिया, सेम ऐसे ही आपकी अब ये है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स करना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप जी, वो सेम उसी पैटर्न पे जो मैंने आपको बताया है वैसे ही आपकी ये होंगी। इन अ विलेज इन इंडिया, इंडिया के एक गांव में 25,670 पीपल आर एजुकेटेड अप टू द स्कूल लेवल, यानी कि 25,672 पीपल जो है वो स्कूल लेवल पे पढ़े हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ स्कूलिंग करी हुई है, स्कूल तक गए हैं, एंड 15,256 आर एजुकेटेड अप टू द कॉलेज लेवल, और 15,256 जो पीपल हैं वो कॉलेज लेवल के पढ़े हुए हैं, यानी कि कॉलेज में गए हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इन दैट विलेज, टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालना है कि उस विलेज में कितने लोग जो हैं वो एजुकेटेड है टोटल। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन है आपका, हम ऐसे ही लिखेंगे सेम क्वेश्चन, आपका 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है, जिसमें बोला, तो पहले हम लिख देंगे आपका पीपल एजुकेटेड अप टू द स्कूल
क्योंकि स्कूल लेवल पे कितने पढ़े हैं, कितने पढ़े हुए हैं आपके स्कूल लेवल पे? 25,672, ठीक है, इतने जो है वो स्कूल लेवल पे पढ़े हैं। दूसरा देखो, दूसरा कितना था, पीपल एजुकेटेड, सेम ऐसे लिखेंगे, आप कौन सा है, कॉलेज, कॉलेज लेवल, कॉलेज लेवल पे कितने पीपल हैं एजुकेटेड? 15,256। ओके स्टूडेंट्स, इतने पीपल एजुकेटेड, आप क्या करेंगे, हम टोटल निकाल लेंगे, टोटल टोटल निकालेंगे, ठीक है, टोटल एजुकेटेड पीपल भी लिख सकते हो, ठीक है। टोटल एजुकेटेड पीपल, अब हम क्या करेंगे, आप इसको अलग भी लिख के ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे भी लिख के ऐड कर सकते हैं, अब इनका टोटल निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों का। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, जब टोटल निकालते हैं, मैंने आपको बताया था हमें प्लस करना है, हम यहीं पे प्लस का साइन उसको लगा देंगे, ठीक है, हमने जो ये लिखा है यहाँ पे प्लस का साइन, यानी कि हम टोटल कर रहे हैं। तो 6 और 2 कितना हो गया हमारा, 8, कितना हो गया 8। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 में 5 किया तो आपने 12, ठीक है, 12 का 2 आ गया, कैरी कैरी फॉरवर्ड हो गया, कैरी हो गया 1, ठीक है स्टूडेंट्स, डिजिट एक बिल्कुल नीचे होना चाहिए। 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 यहाँ आ गया, अगेन आपको ये कैरी नहीं है। 5 और 5 कितना हो गया 10 का 0, ठीक है, कैरी हो गया 1। 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 1 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा टोटल एजुकेटेड, सो द टीओटी टोटल टोटल नंबर लिखिए, नंबर्स ऑफ ऑफ एजुकेट एजुकेट, ठीक है, पीपल इन दैट विलेज इज कितना हो गया 40,928। टोटल कितने पीपल पढ़े हुए हैं उस गांव में, 40,928। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया, चलिए अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं, ऑन डेली रोड, डेली रोड पर है ना 5,26,112 कार्स हैं, ठीक है, कितनी इतनी कार्स हैं, एंड 20,195 ट्रक्स हैं, मूव एवरी डे, एवरी डे इतने जो है मूव करते हैं कार और इतने ट्रक, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ऑन द रोड। तो टोटल नंबर व्हीकल कितने टोटल, इस रोड पे कितने टोटल व्हीकल हैं जो कि मूव करते हैं, वो टोटल नंबर बताना है। क्या करेंगे, तो हम सेम ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चंस, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होंगे क्या है, लेकिन ये बहुत इजी होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे कि कितनी कार्स रन करती हैं, फिर हम लिखेंगे उसके नीचे कितने ट्रक रन करते हैं, फिर हम दोनों का टोटल कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले लिखेंगे नंबर्स ऑफ ऑफ कार्स, ओके, कितनी कार्स हैं, 5,26,000, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ दिया था इन्होंने, नंबर्स ऑफ ट्रक्स, ठीक है, हम ये जो पोर्शन जो ये थ्योरी लिखते हैं ना, ये हम बुक से ही लेते हैं बेटा, अपने क्वेश्चन से ही लेते हैं, ठीक है। कितने ट्रक्स होते हैं, 20,195, ओके। अब हमें क्या निकालना है, टोटल व्हीकल, उसने यही तो पूछा था कि टोटल व्हीकल उस रोड पे कितने रन करते हैं, सॉरी ये ई है आई नहीं है, मैं रेज करके बना देती हूँ, वी ई एच आई सी एल ई एस, व्हीकल्स,
टोटल कितने व्हीकल्स करते हैं, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए प्लस कर देते हैं, 5 और 2 कितना हो गया 7, 9 और 1 कितना हो गया 10 का 0, कैरी फॉरवर्ड हो गया 1 यहाँ ऊपर, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, ठीक है। 6 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एज इट रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और 5 का एज इट 5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो 5 का एज इट 5 आ जाएगा। समझ आ गया ना बच्चा। चलिए अब ये कितना हो गया हमारा टोटल व्हीकल्स, ये हमारा आ गया निकल के। अब हम क्या लिखेंगे, सो द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड इज 5,46,307। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया, दिस इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, इन द क्लास 10th एग्जाम 52,781 स्टूडेंट पास, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। चलिए मैं लार्ज कर देती हूँ, विद डिक्टेशन, सॉरी डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो इतने लोग स्टूडेंट्स की क्या आई थी, डिक्टेंशन आई थी, उसके बाद में 75,200 स्टूडेंट्स के क्या थे, पास्ड थे विद परसेंटेज मोर देन 60 से अबव परसेंटेज थी जिनकी, ठीक है, एंड 25,000 स्टूडेंट पास्ड विद 40% मार्क्स, बाकी के इतने स्टूडेंट 40% मार्क्स से पास हुए थे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है जिन्होंने एग्जाम को पास किया है। ओके स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन 3 है ना ये, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। अब हमें क्या लिखना है, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिक्टेंशन आई है, लिखना डिक्टेशन आई है, तो क्या करेंगे, डिक्टेंशन सॉरी, स्टूडेंट पास्ड विद डिक्टेंशन ठीक है, कितनी आई है, कितने स्टूडेंट हैं, 52,781, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सही से लिख देते हैं, जिससे कि सम करने में जब आप ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, स्टूडेंट्स पास्ड विद परसेंटेज कितने मोर देन 60%, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे, 75,200, ठीक है। अब 40% वाले भी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने 40% पे पास किया है, तो उनको भी लिखेंगे आप, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इनका, अब हम इनको तीनों को प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो क्या निकालेंगे, इनका टोटल पास्ड स्टूडेंट, टोटल पास्ड स्टूडेंट निकालेंगे। जब टोटल आ जाता है, टोटल का मतलब हो जाता है ऐड करना। आप देखिए ये 1 है, 0 0 तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का 1। 8 में 0 ऐड करेंगे 0 तो कुछ नहीं होगा, 8 का 8 हो जाएगा। 7 और 2 कितना हो गया 9, ठीक है। उसके बाद में 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 5 क्या हो गया 12 का 2, कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1 यहाँ आ गया, ठीक है। अब उसका प्लस कर लेते हैं,
फाइव और वन कितना हो गया आपका सिक्स, सिक्स और सेवन कितना हो जाएगा थर्टीन, थर्टीन और टू कितना हो गया फिफ्टीन, ठीक है स्टूडेंट, फिफ्टीन लिख दीजिए। ओके तो हमारा क्या आ गया, अब लिख देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है लिख देते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम इज, ठीक है कितने हैं टोटल, ये आ गए आपके 1,52,981। ओके स्टूडेंट्स आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, है ना, ये मैंने तीनों क्वेश्चन आपको समझाए हैं, इसमें सेम ऐसे ही होने हैं सारे, जैसे एक करा है जैसे एग्जांपल बताए थे वैसे ही सेम दूसरा है, फिर तीसरा भी ऐसे ही है, चौथा पांचवा छठा भी सेम ऐसे ही है, जो कि आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मैंने आपको तीन समझा दिए प्लस में दो एग्जांपल भी समझाए हैं, अब आपका क्वेश्चन फोर फाइव सिक्स है जिनको आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट्स ठीक है, आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, आपको समझ आ जाएगा और फिर खुद ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके थैंक यू।